नमस्ते, मैं हूँ शफीक रंगरेज, कॉमेडी कलाकार हूँ, बनारस से हूँ। जी सीरीज कंपनी की तरफ से आपको एक जबरदस्त तरीके से कॉमेडी का शो देने जा रहा हूँ, उम्मीद है मजा आ जाएगा। जी हाँ, कुछ इस तरह की आवाजें, कुछ इस तरह के जोक्स मेरे पास है जिन्हें सुनने के बाद शायद मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये आवाजें आपने देखा होगा जब आपके साथ ये घटना हुई होगी कि आप अपनी बाइक लेकर जाते हैं, अचानक आपकी बाइक से कुत्ता टकरा जाता है तो कुत्ता चिल्लाता कहते हैं बाइक से टकराने पर, कुछ इस तरह। बाइक में चाबी डालते पहले इंडिकेटर बजता है, कुछ इस तरह आवाजें। आपने देखा होगा जैसे कोई पानी में स्टीमर चल रही हो, अब तेल खत्म होने पर स्टीमर रुकती कैसे, आवाज कैसे बदल जाती है, कुछ इस तरह स्टीमर की आवाज। आपने देखा होगा ऑडियो कैसेट, जो रील वाली कैसेट चलती थी पहले, वो टेप में लगाकर हम लोग गाना सुन रहे हैं और गाना चलते चलते रील फंस जाती है, गाना खराब हो जाता है, आवाज बैठी बैठी आती कुछ इस तरह। हमको हमी से चुरा लो दिल मुझे तुम छुपाओ हम अकेले, ऐसे रील फंस जाती है। हम सोचे लगता कैसेट खराब है, दूसरी कैसेट लगाते वो भी फंस जाती है। कजरा हरे है तेरे कायू कायू लैलियो, इतना देखते ही माता खराब। हमने कहा तीसरी कैसेट लगाता हूँ, अगर रब की रील फंसे तो टेप उठाकर पटक देंगे, मगर दर्शकों अब की बार रेल नहीं फंस रही, अब की बार लाइट चली जाएगी। अब सोचिए टेप में कैसेट चल रही है, अचानक लाइट चली जाए तो गाना अचानक नहीं रुकता है, कुछ ऐसे रुकता है। बीड़ी जले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब गांव में बारात जाती है तो देखा होगा कि पहले कार में बारात नहीं आती थी, आजकल कार में बारात आ रही है, पहले घोड़े पर आती थी। घोड़े पर दूल्हे राजे जी चढ़े हुए हैं, घोड़े का चारों पैरों का आवाज कैसे होता है, लगाम खींचते तो घोड़ा चिल्लाता कैसे, कुछ इस तरह। बारात पहुंचती दरवाजे पर, लड़की के आतिशबाजी होती है वहां पर, रॉकेट के अंदर माचिस लगाते हैं, रॉकेट ऊपर कैसे जाके बोल जाती है, रॉकेट की आवाज कुछ इस तरह। आपने देखा होगा कि गांव की लड़की की शादी होती तो विदाई पर रोती कैसे, उसकी आवाज कैसी होती है, शहर की लड़की की शादी होती है तो वो कैसे रोती है विदाई पर, गाँव की लड़की की शादी होती कितने दहाड़े मार करती गाँव की लड़की, कुछ इस तरह। ये गांव की लड़की थी, शहरी लड़की की शादी होती है, एक किलो घूंघटों तक काफी स्टाइल से रोती, एक एक कदम बढ़ाती और ऐसे रोती है, एक कदम बढ़ाया। ऐसे लगते जैसे पैर की चिकित्सा दब गया है। जी हाँ दर्शकों, मेरी जब मैं जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था 1972 में, यानी 1972 में जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे मास्टर साहब मेरे क्लासरूम में आकर कहने लगे कि इस क्लास में जो सबसे बेवकूफ, जो सबसे मूर्ख इंसान है खड़ा हो जाए। काफी देर हो गई, कोई खड़ा नहीं हुआ। हम खड़े हो गए, मास्टर साहब ने कहा शफीक तुम सबसे बेवकूफ हो। हम कहे नहीं गुरु जी, आप अकेले खड़े थे, ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए हम भी खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। हमने कहा सर आप हमें पढ़ा रही है तो सत्य है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम लोग पढ़ रही है आपका भ्रम है। मास्टर साहब ने कहा बताओ छुछुंदर कैसे लिखते हैं, छुछुंदर। हम कहा गुरु जी दुई बार छू छू एक बार अंदर, ऐसे छुछुंदर लिखते हैं। गुरु जी ने कहा बताओ मेरा नाम लल्लन है, लल्लन।
अगर कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारे मास्टर का क्या नाम है तो कैसे बताओगे लल्लन? हमने कहा गुरुजी, पहले पूरा ला फिर आधा ला फिर लल्लन लल्लन। मास्टर साहब ने कहा बताओ दो दो कितना होता है? छोटे से थे हम, आधा थी उंगली की, उंगली पर गिनने की। हमने फटाफट गिना, सर बता दिया, सर दो दो चार होता है। मास्टर साहब ने कहा बेटे गंदी बात, उंगली भी नहीं गिनते, अब बताओ चार चार कितने होते हैं, फिर फटाफट उंगली भी गिना। बता दिया चार चार आठ। मास्टर साहब ने कहा बेटे मैंने मना किया ना, उंगली पे नहीं गिनते, अब दोनों हाथों को हाफ पैंट के पॉकेट में डालो, अब बताओ पांच पांच कितना होता है। अब क्या करे, आधा थी उंगली भी गिनने की, उसी पैंट में हाथ डाले गिनना चालू कर दिए, ऐसे हिसाब से गिना, बता दिया पांच पांच ग्यारह। मास्टर ने कहा पांच पांच दस ना होता है, तब बाद में पता चला पॉकेट फटी हुई थी, उंगली अलग से मिल गई थी। जी हाँ, हमारी शादी भी हो चुकी है, हमारी शादी भी हो चुकी है एक तो। इस वक्त हमारी मम्मी की बहू हमारे मायके में है। हमारी जब शादी हुई थी तो हमारे पापा ने कहा बेटे शकीक तुम्हारी शादी कर रहे हैं, लड़की वाले बहुत पैसे वाले, दहेज एकदम चपक के मांगना, इतने पैसे वाले बेटा कि तुम्हें साइकिल मांगना होगा तो हीरोंडा मांग लेना, हीरोंडा मांगना होगा तो मारुति कार मांग लेना, मारुति मांगना होगा तो ट्रक मांग लेना। समझे? हम कहां समझ गए। पापा पूछे क्या समझे, हम के यही समझे अगर लड़की को मांगना होगा तो उसकी अम्मा को मांग लेंगे। हाँ, तो बता रहे शादी करने के बाद अपनी पत्नी को अपने घर लेकर गए। हमने अपनी पत्नी से कहा भाई तुम्हें गाना गाना आता है? उसने कहा आता है। हमसे उन्होंने पूछा आपको आता? हमने कहा हमें भी आता है। हम के पहले आप गाना गाइए, हमारी पत्नी देखिए कौन सा गाना गा रही है शादी वाली रात को। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को ना भुलाना। हमने कहा हमसे सुनो, ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। इस तरह से मुझे भैया बना दिया, मैंने उसे माँ बना दिया। एक बार मेरी पत्नी अपने लिए साया का कपड़ा लिख रहे थे, जो साड़ी के साथ पहनते साया, देखा होगा आपने जिसे पेटीकोट भी बोलते हैं, उस साये के कपड़े को हमने बिना पूछे उनसे अपने लिए पजामा बनवा लिया, पजामा। और जब पहन के निकल रहे थे तो हमारी पत्नी गाना गा रही थी, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। जी हाँ, और भी बहुत सारी चीजें मुझे कई भी एक्टर की आवाज है। बाबू जी बहुत अच्छी बात है, आज मैं काशीनाथ बनारस से बॉम्बे चला आया हूँ, मुझे काफिया ने बहुत परेशान किया बाबूजी। बाबूजी जिस दिन इस कंपनी वालों ने मेरी कैसेट निकाली है, बहुत अच्छी कैसेट है बाबूजी, बहुत ज्यादा लोगों को हटा रहा हूँ। राजपाल यादव जी कहते हैं अरे हमें भी मालूम है तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, अरे हम भी कुछ भी कर लेंगे, अरे तुम्हारे साथ क्या हर लोग के साथ काम करेंगे, मगर पहले हमारी कैसेट जिस सीरीज वालों ने निकाली है बहुत अच्छी बात है। अरे हमें पहचाना, हम है छोटे डॉन, पहचान लिया होगा भाई। हम दोस्त है, अगर आपसे बात हुई, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात हुई, क्या करें सर। हम तो सोच रहे सर जी आपके साथ बात करते करते इस सीरीज के कंपनी के बारे में बता दे कि भाई इन्होंने तमाम लोगों के लिए सोचा कि भाई हमारे इस कंपनी के जरिए लोगों को रिंग टोन मिले, कलर टोन मिले, और हमारी कंपनी का नाम भाई। और जॉनी लीवर साहब कहते हैं यार क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है, रविंदर सर जी बहुत अच्छे है, अरविंद जी बहुत अच्छे आदमी है, जिन्होंने बनारस से भाई बिहार बलिया होते हुए पूरे यूपी प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिस कंपनी की ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे पहचाना होगा आपने।